दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं IIIT हैदराबाद के फोर्थ मोड ऑफ एडमिशन के बारे में, जो कि ओलंपियाड स्लैश KVPY के थ्रू होता है। इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल, आई एम निखिल कुम कैरियर की सर्विसेज। आज हम लोग बात करने वाले हैं IIIT हैदराबाद के फोर्थ मोड ऑफ एडमिशन के बारे में, जो कि ओलंपियाड और KVPY से रिलेटेड है, जिसपे कि हम इसपे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में सबसे पहले बात करेंगे कि इसमें कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो फोर्थ मोड ऑफ एडमिशन है, इनमें कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, कौन कौन से बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, हम दोनों चीजें बताएंगे। अगर ओलंपियाड की आप बात करो तो इसमें इंटरनेशनल लेवल पे आपके पास एक सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि आपने 11th या 12th पे पाया हो, मतलब कि उसको आपने गेन किया हो किसी तरीके से। वो इन्फॉर्मेटिव भी हो सकता है, साइंस से रिलेटेड भी हो सकता है, अपने केमिस्ट्री का अगर कोई सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कभी कंपटीशन हुआ उससे रिलेटेड भी हो सकता है, मैथमेटिक्स से भी हो सकता है। तो ओवरऑल आपके पास एक इंटरनेशनल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद आपका कोई भी ओलंपियाड सर्टिफिकेट वैलिड नहीं होगा इसके लिए। अगर हम KVPY की बात करें, इसका एक सेपरेट फॉर्म आता है, इसका सेपरेट एग्जाम होता है, उसमें अगर आपके 5000 के अंदर रैंक आई होगी तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें से जो टॉप 100 स्टूडेंट्स होते हैं तो वो एलिजिबल होते हैं इंटरव्यू के लिए। डायरेक्टली कॉलअप्स आता है, वहाँ से आपको प्रॉपर एक फॉर्म भरना होता है, इसका एक अलग सेपरेटली फॉर्म आता है, जिसमें आपको अगर आप ओलंपियाड से रिलेटेड हो तो उसके आपको सर्टिफिकेट्स वगैरह अपलोड करने होंगे। अगर आपने KVPY का एंट्रेंस एग्जाम दे रखा है तो उसकी डिटेल्स आपसे मांगी जाएंगी। और उसके बाद अगर आप बात करो कि इसमें हमको कैसे मतलब आइडेंटिफाई करेंगे आप सिलेक्ट होंगे कि नहीं होंगे, तो बेसिकली ऑल दीज एक्टिविटीज बेस्ड अपॉन द आपको सिलेक्ट ऐसे किया जाएगा। सारी चीजें बेस्ड होंगी आपके इंटरव्यू पे, जो कि वहां पे इंटरव्यू कंडक्ट होता है। अगर उसमें आप क्वालिफाइड कर जाते हैं तो आपका शॉर्ट लिस्टेड नाम आ जाएगा। अगर एलिजिबिलिटी आप क्वालिफाई कर जाते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बिलोंग कर रहे हैं, आपने इंटरव्यू भी क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद बात आती है कि सर हम इसमें कौन कौन सी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हैं। इसमें तीन ब्रांचेज हैं जो कि आपकी ड्यूअल डिग्री ब्रांचेज हैं, ड्यूअल डिग्री प्रोग्राम है इसमें, कि जो बीटेक प्लस एमएस मिलता है इसमें IIIT हैदराबाद में, जो कि मैं आपको बता देता हूँ, कंप्यूटर साइंस एंड कंप्यूटेशनल साइंस है, और इसके बाद एक CLD करके है। तो कंप्यूटर साइंस से बीटेक करेंगे, उसके बाद कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स के नाम से आपका एमएस की डिग्री मिलेगी एक साल की, इसके बाद CST कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, और इसमें आपका एमटेक भी है, जो मतलब एमएस होगा वो भी आपका CSE पे ही बेस्ड होता है। तो ये तीन ब्रांच थी आपके, उसके बाद मोड ऑफ एडमिशन की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये थे। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो बात करेंगे, इसका फिफ्थ मोड ऑफ एडमिशन है, जो डासा मतलब कि डायरेक्ट मोड ऑफ एडमिशन अब्रॉड स्टूडेंट के लिए था, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक में बात करेंगे। और इसी तरीके की वीडियो अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, इसलिए हम कंटिन्यूअस एक पूरी सीरीज चला रहे हैं टॉप 10 इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के बारे में। उस पर हम लोग कॉलेज के बारे में पहले एग्जाम के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर कॉलेज के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर एट लास्ट जब आपको काउंसलिंग होता है एडमिशन पाने से पहले तो हम लोग उसमें भी हेल्प करते हैं। तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए ताकि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगा इन फ्यूचर। और तब तक के लिए बाय बाय।